एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ध्रुव। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एक गेम चेंजर। एज यू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, मैं हर चीज चाहता था कि हो वो प्लग एंड प्ले। जब मैंने एक डिजर्विंग टैंक बैग ले ही लिया है एंड इसके अंदर एक कैरी पाउच है और इसके अंदर मैं कैरी कर सकता हूँ अपना फोन, अपने गैजेट्स, तो क्यों ना इनको ऑन द वे जाते हुए चार्ज किया जाए। चार्ज कैसे किया जाए? अब चार्ज करने के लिए हमें लगाना पड़ता है एक 12 वोल्ट का चार्जर या फिर हमें कोई तार लगाकर जुगाड़ करना पड़ता है। इंटरनेट पर हर जगह देखने के बाद मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो हमारे सिमटैक के इंडिकेटर्स की तरह हो प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मतलब आपने वायर लगाई एंड इट्स डन। सिमटैक का इंडिकेटर क्या था? उसके अंदर हमने कपलर निकाला एंड दोनों कपलर के अंदर तार जोड़ दी, दैट वॉज प्लग एंड प्ले। लेकिन ऐसा ही चाहिए था मुझे चार्जर के अंदर, सो मिला मुझे ये आज का प्रोडक्ट विच इज वेरी वेरी स्पेशल। दिस इज काइंड ऑफ अ टेक्निकल थिंग, सो इसको लेके जाने वाला हूँ मैं अपने फ्रेंड रौनक की शॉप पर। वहां पर जाएंगे, उस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा एंड वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको कंप्लीट सिनेरियो पता चल जाए एंड विद द प्रूफ दैट दिस मोबाइल चार्जर इज वर्थ टेकिंग आई विल शो यू इन द वीडियो। नाउ लेट्स मीट यू ऑल ऑन द बाइक। ओके सो गाइस, मेरा जो ये प्लान था चार्जर लगवाने का, एक्चुअली ये काफ़ी पहले से था, क्योंकि ऐसा हो रहा था मुझे ना अपने, जैसे मैंने टैंक बैग लिया है, एज यू कैन सी दिस टैंक बैग, इस टैंक बैग के अंदर मैं फ़ोन रख सकता हूँ और फ़ोन रखने के बाद मुझे लगाना होता है चार्जिंग पे। चार्जिंग के लिए मैंने देखा था सारे के सारे चार्जर्स, देखे हर चीज़ देखी, लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये आ रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू मैनिपुलेट दैट चार्जर। मतलब वो चार्जर ना लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कहीं ना कहीं। अब मैंने देखा यार चार्जर है, अब चार्जर के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको 12 वोल्ट के सॉकेट के अंदर चार्जर की जो वायर है वो इंसर्ट करनी पड़ती है, वही प्लग एंड प्ले वाला जुगाड़ नहीं था कहीं पर भी। आई वॉज नॉट अवेयर, ये इंटरनेट पर कहीं नहीं है, ये कहीं पर भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है दैट ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। मेरा एक फ्रेंड है रौनक करोल बाग के अंदर, आई मीन उसकी बुलेट की शॉप है जहाँ पर सर्विसिंग होती है, तुम्हें जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं एंड दैट्स ऑल। एंड आज जो एक्सेसरी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ डैट कम्स अंडर जेन्युइन स्पेयर पार्ट, उससे ज़्यादा अच्छी डील मुझे कोई दे भी नहीं सकता है। सो लेट्स गो देयर एंड आई टेल यू दैट हाउ दैट फिट्स इन योर बाइक एंड हाउ दैट वर्क्स। एंड इसके ऊपर मैं कोई भी हवाबाजी नहीं करने वाला हूँ, हवाबाजी इन द सेंस ये फास्ट चार्ज कर रहा है, स्लो चार्ज कर रहा है, विद एम्प मीटर आई विल शो यू दैट हाउ दिस वर्क्स एंड मजा आ जाएगा यार। अगर मैं बताऊं कि वो होता कैसा है, वो अलग से कैसे लगेगा, प्लग एंड प्ले कैसे है, तो आपका जो राइट साइड वाला मॉड्यूल होता है जहां पर आपका किल स्विच होता है, किल स्विच के नीचे हमारा एक बटन होता है हेडलाइट का, जो BS3 तक आता था पर BS4 से डिसकंटिन्यू हो चुका था। उस हेडलाइट वाले बटन के अंदर हमारा आ चुका है USB चार्जर, यस अ फास्ट USB चार्जर। अब इग्निशन ऑन कर दिया, हर चीज़ ऑन कर दी, उसके बाद हो जाएगा हमारा चार्जर चालू एंड हम लगा सकते हैं उसको अपने टैंक बैग में या फिर कोई भी चीज़ चार्ज करने के लिए, या फिर आप नेविगेशन में फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके लिए। एंड इतना सॉर्टेड हो जाएगा ना, क्योंकि वायरिंग की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अभी जो मेरे GoPro का माउंट है वो यहाँ से पता नहीं टूट गया, क्या हो गया उसको, कुछ ना कुछ तो हुआ है, उसको भी फिक्स करेंगे एंड एक GoPro सेटअप की वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आप सबके लिए, क्योंकि मुझे डिफिकल्टी हो रही है, ब्रिटिश और आप सबको भी हो रही होगी। सो आई एम ऑलमोस्ट इन करोल बाग। भाई साहब सैटरडे एंड संडे का जो रश होता है ना, यू कांट इवन थिंक ऑफ, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती यहाँ पे। जैसे तैसे पार तो करना ही पड़ेगा, ये सही कर दिया इसने, मेन रोड पर दुकान है सबसे बढ़िया चीज़। सो आई एम हियर एट हिज शॉप। पानी पिला दो यार, गला टूट जाता है। चाय में पीता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं रौनक भाई, कुछ भी नहीं। आई वॉन्ट टू टेक अ मोबाइल चार्जर, अ मोबाइल सॉकेट जो हमारा प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ में हो। ये सारी जितने डिटेल्स हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाउ मीट माई फ्रेंड रौनक। क्या क्या हाल है रौनक? क्या हाल है? बढ़िया भैया। आपसे जो यार देखो, मैंने आपसे इंक्वायरी ली थी दैट आई वांट अ चार्जर दैट शुड बी PNP प्लग एंड प्ले लाइक द सिमटैक हजार्ड प्लस। जी, बेसिकली जैसे कई लोगों को लगता है कि हम जैसे मोबाइल स्टैंड पे चार्जर वगैरह आता है, कईयों को लगता है कि यार हम कटिंग कर देंगे उसके अंदर, वायरिंग के अंदर कटिंग होगी फिर जाके ही आपका वो चार्जर विद स्टैंड लग। तो उसी को ही कंपनी ने एक तरीके से सोचा एंड कंपनी वॉज थिंकिंग यार लोगों का ये जो डाउट है ना उसको क्लियर कर दे। सो विदाउट एनी कटिंग वो आपका डायरेक्टली जो स्विच है वो आपका इंस्टॉल हो जाता है एंड वहीं से ही चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। पर जब हम बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स के बारे में, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मतलब अंदर से लेके बाहर तक, इंजन से लेके ब्रेक्स तक, क्लच वायर से लेकर रेस वायर तक, या फिर हो गई हमारी चीपेस्ट सर्विस इन करोल बाग, प्लेंटी फुल ऑफ एक्सेसरीज विच आर जेन्युइन, यू आर ऑफरिंग जेन्युइन
एंड कई लोगों को लगता है कि यार करोल बाग में डुप्लीकेट ही बहुत है, कई लोगों को लगता है कि यार ये तो माल इधर का उधर करके देगा। मैं आपको, आप चाहे मेरे से 100 रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट्स ले लो, मैं आपको ए टू जेड चेक करा के दूंगा दैट हाउ इट्स जेन्युइन। बस ट्रांसपेरेंसी मैटर्स अ लॉट, एंड मेरी ऑडियंस के अंदर आपने पूछा था दैट भैया सर्विस सबसे सस्ती कहाँ होगी, एंड आई डोंट थिंक जो आपने मुझे प्राइस बताया उससे कम यहाँ पे कोई सर्विस करके देगा। व्हाट्स द बेस्ट प्राइस दैट यू कैन गिव फॉर अ क्लासिक 350 दैट इज BS4, क्योंकि BS6 अभी आई है, उनकी सर्विस चल रही होगी शोरूम पर जी। BS4 हो चुकी है पुरानी, उसकी सर्विस हो रही होगी यहाँ मार्केट में जी। तो जिनके पास क्लासिक 350 है उनको सर्विस प्राइस क्या पड़ेगा विद ऑल द एसेंशियल नीड्स, लास्ट प्राइस विद ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड सर्विस चार्ज, ये चार चीजें मैंडेटरी होती है किसी भी एनफील्ड में जी सर। तो इसका क्या प्राइस पड़ेगा? सो बेसिकली सर 930 की MRP जैसे हमारी आ जाती है ऑयल की, अगर हम मोतल ऑयल लेके चले 935 का एयर फिल्टर की MRP एंड 35 की आपकी ऑयल फिल्टर की MRP, जो की अराउंड आपका 1100-1200 रुपए का अराउंड आपका पड़ जाएगा। सो बेसिकली वही 1100-1200 को उसको 1000 रुपीज में आपको प्रोवाइड कर देंगे विद सर्विस लेबर चार्ज, टोटल कैलकुलेट कर लोगे तो 1100 रुपए का बन जाएगा विद 1000 रुपीज में आपको विद सर्विस। एंड मैकेनिक की सर्विस ऐसी होगी, रॉयल एनफील्ड का रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिक है, ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर आओगे तो आपको मिलने वाली क्वालिटी विद अ पर्पस। हर चीज का एक पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है सर्विस सेंटर के अंदर सिर्फ लेबर चार्ज होते हैं 850 रुपीज। अब आप मुझे लिक्विड गन का प्राइस बताओ, अगर मेरे को सर्विस 100% मतलब 99% नहीं 100% जेन्युइन रखनी है, हम अगर लिक्विड गन डलवाते हैं तो उसका कितना प्राइस आएगा? तो अगर आप लिक्विड गन डलवाते हैं साथ में उसका एयर फिल्टर साथ में ही ऑयल फिल्टर, दैट मींस के रॉयल एनफील्ड का ए टू जेड कोई भी प्रोडक्ट डलवाते हैं तो रॉयल एनफील्ड का आपका ऑयल, रॉयल एनफील्ड का आपका जेन्युइन एयर फिल्टर, इवन ऑयल फिल्टर, जिसके हम टोटल MRP कर देंगे तो अराउंड 1140 पड़ जाएगी। ये आपको पूरी सर्विस किट मैकेनिक के चार्जेस के साथ दोबारा से 1200 रुपए की पड़ेगी। दिस किट इज फॉर 1000 रुपीज विद लेबर एंड ऑल, एंड दिस किट इज फॉर 1200 रुपीज विद लेबर एंड ऑल। बाकी अपना जो काम है ना वो अब शुरू कराते, यहाँ की डिटेल देनी जरूरी होती है, क्योंकि जब मैं रॉयल बुलेट गया था वहां पर भी मैंने आपको डिटेल दी थी, दैट इज फेमस फॉर एक्सेसरीज, पर जब बात आती है हमारी सर्विस की एंड जेन्युइन पार्ट्स की, इससे बढ़िया दुकान आई कांट फाइंड एनीवेयर इन करोल बाग। एंड ट्रस्ट इज द मेन थिंग, ट्रस्ट के लिए आप बैठे हो यार, मुझे पता है कितने टाइम से जानता हूँ आपको, ये बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, काम आपके सामने होएगा, मैकेनिक रॉयल एनफील्ड का है, चलो शुरू कराते हैं। प्रोडक्ट दिखा दो, टॉकिंग अबाउट ये वाला स्विच है, यू कैन सी इसके अंदर आ जाता है हमारा USB पोर्ट, एंड यार ये प्लग एंड प्ले है ना सर, सामने करके दिखाएंगे। लेकिन मेन बात पता है गाइस क्या है, ये चीज इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, सो आई रिकमेंड यार कि अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट कर रहा है ना तो उसको कूरियर कर दोगे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कूरियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पर ये चीज़ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये इसका जो बॉक्स है ये आ जाता है, एंड आई वांटेड दिस थिंग ओनली, एंड पीसेस कितने अवेलेबल हो जाएंगे अनलिमिटेड, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए हो सर। ये चीज़ जो है ना ये कोई देखना आप में से हर कोई लगवाना चाहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी चार्जर्स के लिए हमें वायर्स को कपलर्स के अंदर घुसाना पड़ता है और वही रिस्क आ जाता है हमारे शॉर्ट सर्किट का, पर इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। ये राइट साइड वाला स्विच है जो किल स्विच वाला है, एंड यहाँ पर जहाँ पर हमारा होता है हेडलाइट का बटन, यहाँ पर आ जाता है हमारा चार्जिंग सॉकेट, एंड दिस इज फास्ट चार्जिंग। यस सर, यस, एंड वो तो प्रूफ में अभी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सर। तो एकदम कपलर टू कपलर है, और इसकी वारंटी भी होती है क्या? नो सर, कंपनी कोई भी जैसे वारंटी नहीं देती, चाहे आप रॉयल एनफील्ड के कोई प्रोडक्ट लें या फिर आप मिंडा के कोई प्रोडक्ट लें। लेकिन मिंडा के ही प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर बेसिकली, रॉयल एनफील्ड के अंदर आपके कई बार स्विचेस एंड ऑल होते हैं, बाकी हेडलाइट इज मेनली ओनली फ्रॉम मिंडा, बाकी दिस ऑल वायर्स आर प्लग एंड प्ले, इसके अंदर कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी नहीं सर, इट्स जस्ट जैसा है वैसा लगेगा विदाउट एनी कटिंग। ये इसके अंदर दम है या नहीं है, क्या ये वर्थ टेकिंग है या नहीं? इसके अंदर आई हैव डाउनलोडेड ऐप विच विल टेल यू द मेजरमेंट फॉर ऑल द रीडिंग्स जो इसके चार्जर के अंदर आ रही है। अब यहाँ पर एक बार प्लग ऑन करो, जेन्युइन चार्जर है, इस फोन पर जेन्युइन केबल है, तो इससे मैं एक बार चार्ज दिखा देता हूँ कि कितने एम्पियर तक ये सुई घूमती है, एंड यही चीज़ मैं करके दिखाऊंगा आपको सेम टू सेम इस प्लग के अंदर कि इसके अंदर कितनी पावर आती है। एज यू कैन सी दैट दिस इज अ 1.8 amp चार्ज, सो इसके अंदर 1600 तक मिली एम्प्स जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये सही काम कर रहा है। एंड सेम गोज विद दिस चार्जर की, अब इसके अंदर दिखाते हैं
मिनिमम नहीं तो 300 से ऊपर तो आनी चाहिए रेटिंग इसके अंदर। इस चीज को पकड़ के इतनी ज्यादा सैटिस्फाइंग फील आ रही है ना, कोई भी मेरी वायर कट नहीं होगी एंड प्लग टू प्लग पीएनपी कनेक्शन के अंदर काम हो जाएगा एंड ना मेरा कोई चार्जर स्पेस घेरेगा ना मेरी कोई वायर रिप ऑफ होगी। सॉल्व कर दो यार, मैंने सोचा क्यों ना एक प्रोफेशनल के पास आए हैं तो फिर इस चीज को ज्यादा क्लियर कर ले। अब मुझे ना 80% ऑफ द कमेंट्स आते हैं दैट व्हाई डोंट यू चेंज द साइलेंसर फॉर क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक BS6 एंड अगर आप चेंज नहीं करवा रहे सो व्हाई डोंट यू गो फॉर द ओरिजिनल वन कंपनी वालों ने BS6 क्यों नहीं निकाला, इस चीज का जवाब दो। तो बेसिकली आप साइलेंसर चेंज कराओगे धीरे धीरे आपके इंजन पे अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इंजन जो है आपका अंदर जैसे पिस्टन रन कर रहा होता है, आपका साइलेंसर इतना जोर डाल देता है उस पिस्टन पे कि आपके इंजन के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है जिसके चक्कर में हमारे को सिलेंडर एंड पिस्टन किट बदलनी पड़ती। लेकिन ये चीज तो पहले BS4 में भी थी, BS4 में आज तक साइलेंसर के साथ लोगों ने चलाई है, उसमें क्यों नहीं दिक्कत आई, BS6 में क्यों आ सकती है? BS6 में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि मोस्टली BS6 के अंदर या फिर हमारी अपकमिंग रॉयल एनफील्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल आइटम ज्यादा हो गई है। पहले हमारी होती थी कि हम उसको मैनुअली प्ले कर पाते थे लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक की वजह से आपके ये इश्यूज ज्यादा क्रिएट होने हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने कस्टमर्स को यही प्रेफर करता हूँ कि आपका जो जेन्युइन साइलेंसर है आप उसी के साथ कंटिन्यू रखें। वही आपका स्विच है, वही आपका लगेगा, कोई आपको डाउट नहीं देगा। सो आई कैन शो यू कि यहाँ पर मैंने ना ये चीज देखी। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा That, मैं ये वाला क्यों नहीं लगवा रहा, क्योंकि इसके अंदर आती है इनबिल्ट चार्जर। बेसिकली कई लोगों को ये होता है कि यार हैंडल पे मेरे को स्पेशियस रखना है, मेरे को कोई ज्यादा घेराबंदी नहीं करवानी एंड कटिंग का वही जो मन में डाउट रहता है। इस चक्कर में आए माई सेल्फ प्रेफर कि यार आप लोग ना स्विच ही लगवा दोगे तो इट वुड बी बेटर। लेकिन ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं, अगर आपने लॉन्ग रूट पे जाना है आपको चार्जिंग भी चाहिए। मुझे मोबाइल होल्डर नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे को उसमें टांग बैग है उनके लिए बेस्ट। अगर मुझे कुछ भी लगवाना होता ना फॉर होल्डिंग माय मोबाइल तो मैं यही लगवाता, इसके अंदर वायर्स आ जाती है हमारी एंड दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपने बहुत जगह देखा होगा हर जगह मिलता है ये वाली चीज। इंस्टेड ऑफ दिस आई वेंट फॉर दैट। फाइनली द वर्क इज डन, मैंने आपको दिखाया इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है, एवरीथिंग इज प्लग एंड प्ले एंड आई एम वेरी ग्लैड। अंदर से जो सेटिस्फैक्शन निकल के आती है ना अब निकल कर आई है एंड आई वुड शो यू कि इसके अंदर कितनी पावर है। इतने एम्प्स फोन के अंदर वो दिखा रहा था, अब मैं फोन इस पे चार्ज लगाऊंगा एंड अब आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी ज्यादा एम्प देता है। फॉर एवरीवन हु विल बाय दिस फ्रॉम यू, व्हाट वुड बी द प्राइस दैट यू विल ऑफर टू देम एंड व्हाट इज द प्राइस दैट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट? सो बेसिकली द MRP ऑफ द प्रोडक्ट इज 470 rupees एंड आप हेलो मैं आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पर है 1200 1.2 एम्पियर सीधा, मतलब दिस इज एक्चुअली फास्ट चार्जिंग, दिस इज नॉट स्लो चार्जिंग, दिस इज फास्ट चार्जिंग। सही है यार, आई मीन द सॉकेट इज प्रोवाइडिंग 1.8 आवर्स। आई थिंक जो ये वाला चार्जर लगवाना है मेरे लिए वर्थ है क्योंकि लॉन्ग राइड्स पर कहीं पर भी हम जाते हैं और ऐसे ऐसे टैंक बैग्स आते हैं हमारे पास जहाँ पर हमारे टैंक बैग के अंदर एक पाउच होता है, वहाँ पर लगा सकते हैं हम अपना फ़ोन और फोन डिस्चार्ज नहीं होगा, लिटरली डिस्चार्ज नहीं होगा। सो अब दिन से जो होगी वो रात हो चुकी है एंड अपने जो सारा काम है ना वो खत्म हो चुका है। इस चीज को लेकर मैं ऑलरेडी यहाँ लेट आया था 5 बजे एंड सर्दियों के चक्कर में ऑलरेडी इतना अंधेरा हो जाता है। थैंक यू सो मच, नहीं लिटरली थैंक यू सो मच, क्योंकि इस चीज को इतने अच्छे से करने में ना कोई और करता नहीं, मुझे पता था। तभी मैं रुका हुआ था, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट टाइम। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपने काम देख ही लिया एंड बाकी जो भैया है उनसे ला लेते हैं एक बार। भैया थैंक यू सो मच, आपका काम करके दिया आपने। सो गाइज माई कम्प्लीट वर्क इज ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट डन। उस चीज़ की जो चार्जिंग है वो मैंने आपको दिखा दी, उस चीज़ का जो प्राइस है दैट वॉज ओनली एंड ओनली
400 rupees. इसका जो प्राइस बॉक्स के ऊपर आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 470 rupees. एंड इन जस्ट 400 rupees इसके अंदर लेबर इंक्लूड नहीं होती है. लेबर इज वेरी नॉमिनल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स एंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सबने इंस्टाग्राम पे मुझे अब तक फॉलो कर लिया होगा. दिस इज माई आईडी फ्लैशिंग ओवर हियर राइट नाउ. बी यू, क्रिएट न्यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून. चलते हैं अपना. अगर आपको किसी को वायरिंग की कोई दिक्कत होगी इसके अंदर यू विल बी ऑलवेज देयर फॉर देम. इसके अंदर प्लग एंड प्ले वाली चीज है. इसके अंदर वायरिंग वाली कोई दिक्कत नहीं होगी. सो आप समझ सकते हो. बाय बाय.